डियर फ्रेंड्स, यू ऑल आर वेलकम एट वेक्टर एजुकेटर्स। और आज हम इस वीडियो में नाउन के ही एक छोटे से पार्ट को, दैट इज़ एपोस्ट्रॉफी, इसे डिस्कस करने जा रहे हैं। और हम सभी को बहुत कन्फ्यूजन होता है कि कब एपोस्ट्रॉफी यूज़ करनी चाहिए, कब एपोस्ट्रॉफी यूज़ नहीं करनी चाहिए। तो आज हम एपोस्ट्रॉफी को ही अच्छे से समझेंगे, जितने भी रूल्स लगते हैं एपोस्ट्रॉफी को यूज़ करने के लिए, उन सारे रूल्स को वन बाई वन कवर करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वॉट इज़ अपोस्ट्रॉफी एंड वॉट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ इट? ठीक है, अपोस्ट्रॉफी का मेन फंक्शन क्या होता है? तो अपोस्ट्रॉफी का मेन फंक्शन होता है, फर्स्ट फंक्शन इज टू शो पजेशन और ऑनरशिप। ठीक है, अधिकार बताना किसी चीज़ पर, ये इसका पहला फंक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोल दूँ कि जॉन्स न्यू शूज आर रेड, ठीक है, मतलब जॉन के जो नए शूज़ हैं वो रेड कलर के, तो यहाँ पे ये जो शूज़ है ना, इन शूज़ के ऊपर पजेशन शो कर रहा है, ऑनरशिप शो कर रहा है, कौन? जॉन, मतलब इन शूज़ के ऊपर जॉन का अधिकार है। तो फर्स्ट फंक्शन इज़ टू शो पजेशन और ऑनरशिप ऑन समथिंग, ये होता है पहला फंक्शन। एंड सेकेंड फंक्शन इज़ टू शो ओमिशन ऑफ लेटर्स और वर्ड्स, मतलब जब कुछ लेटर्स या वर्ड्स मिसिंग होते हैं उस टाइम पे हम लोग एपोस्ट्रॉफी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई विल डू माई होमवर्क लेटर, मतलब मैं अपना होमवर्क बाद में कर लूँगी, तो आई विल डू माई होमवर्क लेटर। तो ये जो मैंने एपोस्ट्रॉफी लगा के डबल एल यूज़ किया, इट स्टैंड्स फॉर आई विल, ठीक है, तो यहाँ पे जो आई विल है उसका कॉन्ट्रैक्शन हो गया, तो वो आई एपोस्ट्रॉफी डबल एल बन गया। सिमिलरली, अगर मैं बोल दूँ डोंट गो देयर, वहाँ मत जाओ, तो ये जो डी ओ एन एपोस्ट्रॉफी टी, डोंट मैंने यहाँ पे किया है, इट स्टैंड्स फॉर डू नॉट, ठीक है, तो ये डू नॉट को जब कॉन्ट्रैक्शन कर दिया मैंने, तब वो बन गया डोंट। तो आई होप कि यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी के जो दो मेन फंक्शंस हैं वो आप सभी को क्लियर होंगे। आगे बढ़ते हैं, क्या क्या रूल्स हैं अपोस्ट्रॉफी को यूज़ करने के। तो द वेरी फर्स्ट रूल इज़, वी विल नेवर यूज़ एन अपोस्ट्रॉफी विथ अ नॉन लिविंग थिंग, हम किसी भी नॉन लिविंग थिंग के साथ अपोस्ट्रॉफी को यूज़ नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द टेबल्स लेग इज़ ब्रोकन बाई द कारपेंटर, है ना, तो यहाँ पे जो टेबल्स है इसको मैंने अपोस्ट्रॉफी लगा के लिखा है। अब जब मुझे पता है कि जो टेबल होता है वो नॉन लिविंग होता है, तो नॉन लिविंग के साथ तो हम अपोस्ट्रॉफी यूज़ नहीं कर सकते। अब जब अपोस्ट्रॉफी यूज़ नहीं करेंगे तो पजेशन कैसे शो करेंगे हम उस नॉन लिविंग चीज के ऊपर? तो यहां पे पोजीशन शो करने के लिए हमको ऑफ लगाना पड़ता है। तो जो फर्स्ट वाला सेंटेंस है वो रॉन्ग है, और इसको जब मैं करेक्ट करूंगी, मतलब पोजीशन शो करूंगी, तो एपोस्ट्रॉफी यूज ना करके ऑफ लगाऊंगी, तब सेंटेंस कुछ इस तरीके से बन जाएगा कि द लेग ऑफ टेबल इज ब्रोकन बाय द कारपेंटर। ये वाला सेंटेंस एकदम सही है, क्योंकि यहां पे लेग ऑफ टेबल है, तो यहां पे जो लेग है उसके ऊपर पोजीशन हो गया, उसके ऊपर ऑनरशिप हो गई, अधिकार हो गया टेबल का। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे ऑफ लगाया, एपोस्ट्रॉफी हटाई, क्योंकि यहाँ पे नॉन लिविंग चीज की बात हो रही है। सिमिलरली, द पेन्स कैप, तो ये जो कैप है ना, इस कैप के ऊपर पोजीशन है पेन का, लेकिन यहाँ पे मैं एपोस्ट्रॉफी तो यूज नहीं कर सकती, क्योंकि पेन इज ऑल्सो अ नॉन लिविंग थिंग, है ना, इसलिए ये वाला सेंटेंस भी रॉन्ग। और इसका सही स्ट्रक्चर हो जाएगा जब इसके ऊपर हम पोजीशन शो करेंगे ऑफ लगा के। तो जैसा आप नीचे वाले सेंटेंस में देख सकते हैं कि द कैप ऑफ पेन, तो यहाँ पे जो कैप है उसके ऊपर पेन का पोजीशन है, वो हमने ऑफ लगा के शो किया, इसलिए ये वाला सेंटेंस एकदम सही है। आई होप दिस रूल इज क्लियर टू यू ऑल, कि वी विल नेवर यूज एनी अपोस्ट्रॉफी विथ अ नॉन लिविंग थिंग। अगला रूल देखते हैं हम लोग। हमारा अगला रूल है, वी विल नेवर यूज टू अपोस्ट्रॉफी टुगेदर इन अ सेंटेंस, हम एक सेंटेंस में एक से ज्यादा अपोस्ट्रॉफी यूज नहीं कर सकते, कर सकते हैं लेकिन एक साथ यूज नहीं कर सकते। तो वी विल नेवर यूज टू अपोस्ट्रॉफी टुगेदर इन अ सेंटेंस, ठीक है। और एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं। दिस इज माई फ्रेंड्स अग्नीज हाउस, तो यहाँ पे मैंने दो अपोस्ट्रॉफी यूज कर ली, एक तो फ्रेंड्स के साथ और दूसरी अग्नि के साथ, ठीक है। और हमारा रूल बोलता है कि वी विल नेवर यूज टू अपोस्ट्रॉफी टुगेदर इन अ सेंटेंस, तो इस वजह से ये वाला सेंटेंस हमारा एकदम गलत हो गया। इसका करेक्शन नीचे वाले सेंटेंस में है कि दिस इज माई फ्रेंड अग्नीज हाउस, ये मेरे फ्रेंड अग्नि का घर है, तो इस घर पे पोजिशन किसका है, ऑनरशिप किसकी है, अधिकार किसका है, अग्नि का, है ना, अग्नि किसी लड़के का नाम है, तो दिस इज माई फ्रेंड अग्नीज हाउस, ये वाला सेंटेंस एकदम सही हो गया।
सिमिलरली दैट इज माई अंकल्स फ्रेंड्स हाउस, यहाँ पे भी मैंने दो एपोस्ट्रॉफी एक ही सेंटेंस में एक साथ यूज कर लिए हैं, अंकल के साथ भी और फ्रेंड के साथ भी. इस वजह से ये वाला सेंटेंस भी एकदम गलत हो गया. इसका सही स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा, दैट इज हाउस ऑफ माई अंकल्स फ्रेंड, मतलब वो जो घर है वो किसका है, मेरे अंकल के दोस्त का. तो ये वाला सेंटेंस एकदम सही हो गया. आई होप आपको ये दूसरा वाला रूल भी क्लियर होगा कि वी विल नेवर यूज टू एपोस्ट्रॉफी टुगेदर इन अ सेंटेंस. एक सेंटेंस में हम एक साथ दो एपोस्ट्रॉफी यूज नहीं करेंगे. नेक्स्ट रूल इज एपोस्ट्रॉफी कैन बी यूज्ड विथ प्लेस. हम किसी जगह के साथ एपोस्ट्रॉफी यूज कर सकते हैं. आप सभी के सामने एग्जाम्पल दिए हुए हैं कुछ. फर्स्ट एग्जाम्पल इज अहमदाबाद मेट्रो. ये जो मेट्रो है वो कहाँ से बिलोंग कर रही है, वो है अहमदाबाद की, ठीक है. इसलिए यहाँ पे मैंने यूज़ किया अहमदाबाद मेट्रो. अहमदाबाद एक प्लेस का नाम है और प्लेस के साथ हम एपोस्ट्रॉफी यूज़ कर सकते हैं. सिमिलरली चाइनाज पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन वो कहाँ की है, चाइना की है, और चाइना इज़ आल्सो अ नेम ऑफ अ प्लेस, इसलिए यहाँ पे भी हम एपोस्ट्रॉफी यूज़ कर सकते हैं. एंड इंडियाज़ इलेक्ट्रिसिटी, ये जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इंडिया की है एंड इंडिया इज़ अ प्लेस, सो यहाँ पे हमने इंडिया के साथ एपोस्ट्रॉफी यूज़ कर लिया. तो ये रूल एकदम नॉर्मल सा था कि एपोस्ट्रॉफी कैन बी यूज्ड विथ प्लेस. आई होप आपको ये रूल अच्छे से क्लियर होगा. तो नेक्स्ट रूल देखते हैं हम लोग. व्हेन अ नाउन एंड्स विथ हिजिंग साउंड वी विल नेवर यूज़ एस विथ सच वर्ड्स. अब ये एस कौन सा है, ये एस है अपोस्ट्रफी वाला एस, जो हम ऐसे अपोस्ट्रफी लगाते हैं और उसके बाद एस लगाते हैं ना, इस एस की बात हो रही है. तो ये वाला एस हम कब नहीं लगाएंगे, जब हमारी जो नाउन है वो हिजिंग साउंड पे एंड होगी. फॉर एग्जाम्पल जिसमें ऐसे श साउंड आते हैं उनके पीछे हम लोग अपोस्ट्रफी एस ना लगा के सिर्फ अपोस्ट्रफी लगाएंगे. एग्जाम्पल दिए आप सभी के सामने अविनाश बुक, ठीक है. तो यहाँ पे ये जो अविनाश है ये हिजिंग साउंड पे ख़त्म हो रहा है. ये जो पर्टिकुलर नाउन है अविनाश, ये एंड हो रहा है हिजिंग साउंड पे, पीछे से श की आवाज़ आ रही है अविनाश. तो जब पीछे से हिजिंग साउंड आ रहा है तो हम एपोस्ट्रॉफी लगा के एस नहीं लगाएंगे, हम सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे. इस वजह से ये वाला सेंटेंस गलत है, लेकिन जो नीचे वाला है अविनाश, वहाँ पे सिर्फ हमने एपोस्ट्रॉफी लगाई है, एस नहीं लगाया, इसलिए दिस इज़ वेरी करेक्ट. आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि जब भी कोई नाउन हिजिंग साउंड से एंड होगा तब हम एपोस्ट्रॉफी एस ना लगा के सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे. और कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं फॉर पीसेस सेक, ठीक है. अगर यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी और एस लगा दिया तो मेरा प्रोनंसिएशन कुछ इस तरीके से हो जाएगा, फॉर पीसेस सेक, ठीक है. तो ये एकदम गलत हो जाएगा. इसका सही फॉर्म होगा फॉर पीस और यहाँ पे सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगेगी, एस नहीं लगेगा, इसलिए ये वाला एकदम सही. सिमिलरली फॉर गुडनेस इज सेक, ये वाला भी गलत है क्योंकि यहाँ पे हमारा जो नाउन है गुडनेस वो हिजिंग साउंड पे ख़त्म हो रहा है, पीछे स की आवाज़ आ रही है, इसलिए हम लोग एपोस्ट्रॉफी एस ना लगा के सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे, इसलिए ये वाला सेंटेंस एकदम सही है. आई होप आप सभी को क्लियर होगा कि व्हेन अ नाउन एंड्स विद अ हिजिंग साउंड वी विल नेवर यूज एपोस्ट्रॉफी एस विद सच नाउन्स, हम सिर्फ एपोस्ट्रॉफी यूज़ करेंगे. अगला रूल है हमारा, वी विल नेवर यूज़ एपोस्ट्रॉफी विथ पजेसिव प्रोनाउन. हम पजेसिव प्रोनाउन के साथ एपोस्ट्रॉफी नहीं लगाएंगे, जैसे कि योर्स लविंगली, आपका प्यारा, है ना. तो ये चीज़ जनरली हम लेटर राइटिंग जब होती है तो लेटर राइटिंग में हम यही गलती करते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे अगर मैंने लिख दिया योर्स लविंगली तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि योर इज़ अ पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव प्रोनाउन के साथ हम एपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगाते. इसका सही फॉर्म ये वाला होगा. अगर हिंदी में मैं इस चीज़ को लिखना चाहूँ तो इसको मैं लिखूँगी आपका अपना या फिर आपका प्यारा या फिर आपका आज्ञाकारी, जो भी मैं लेटर राइटिंग करती हूँ तब लिखती हूँ, ठीक है. अब इसको मैं इस फॉर्म में लिखूँगी तो एकदम सही हो जाएगा, लेकिन मैं इसको ऐसा लिखूँगी क्या कभी, आप एपोस्ट्रॉफी का अपना. अगर मैंने इस तरीके से लिख दिया ना तो यहाँ पे मैंने कर दी गलती, जो कि हमें नहीं करनी है. कभी मैं एपोस्ट्रॉफी लगा के एस नहीं लगाऊंगी इन केस ऑफ पजेसिव प्रोनाउंस. तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी. सिमिलरली योर्स फेथफुली, यहाँ पे भी एपोस्ट्रॉफी लगा के अगर एस लगाया है तो ये वाला स्ट्रक्चर एकदम गलत हो गया. कभी भी पजेसिव प्रोनाउन के साथ एपोस्ट्रॉफी लगा के एस नहीं लगता, इसलिए ये वाला एकदम सही. सिमिलरली ये वाला भी गलत और ये वाला एकदम सही. आई होप आप सभी को ये वाला रूल भी अच्छे से क्लियर होगा कि वी विल नेवर यूज़ एपोस्ट्रॉफी विथ पजेसिव प्रोनाउन. नेक्स्ट रूल देखते हैं हम लोग, फॉर सिंगुलर नाउन्स एड एपोस्ट्रॉफी प्लस एस, है ना. देखो जैसे कि
जब हम बात कर लें सिंगुलर नाउन्स की, ठीक है, जब हम एक की बात करेंगे, एक वचन की, उस टाइम पे हम लोग एपोस्ट्रॉफी प्लस एस लगाएंगे। जैसे कि एग्जांपल आप सभी के सामने दिया गया है द राइटर्स डेस्क, यहाँ पे सिर्फ एक राइटर की बात हो रही है इसलिए हमने एपोस्ट्रॉफी लगा के एस लगाया, तो ये वाला स्ट्रक्चर एकदम सही है। सिमिलरली द प्लैनेट्स एटमोस्फियर, तो यहाँ पे सिर्फ एक प्लैनेट की बात हुई इसलिए हमने एपोस्ट्रॉफी लगा के एस लगाया और ये वाला सेंटेंस भी एकदम सही है। लेकिन फॉर प्लूरल नाउन्स एड ओनली एन एपोस्ट्रॉफी, अगर हम प्लूरल नाउन की बात करेंगे तो हम एपोस्ट्रॉफी प्लस एस ना लगा के सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे। फॉर एग्जांपल द राइटर्स डेस्क, अब यहाँ पे ये एक राइटर नहीं है, यहाँ पे हम मल्टीपल राइटर की बात कर रहे हैं, है ना, एक से ज़्यादा राइटर की बात हो रही है, मतलब प्लूरल राइटर्स हो गए, बहुत सारे राइटर्स हो गए। जब बहुत सारे राइटर्स हो गए ना तो यहाँ पे ऑलरेडी राइटर्स लग गया है। अब जब राइटर्स लग गया है तो ऐसे प्लूरल नाउन जो कि एस पे जाके एंड होते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका राइटर्स एस पे एंड हो रहा है, तो उसके बाद हमको एपोस्ट्रॉफी और एस लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे, इस वजह से ये वाला सेंटेंस एकदम सही हो गया। सिमिलरली द प्लैनेट्स एटमॉस्फियर, अब यहाँ पे जो प्लैनेट है ना ये एक प्लैनेट नहीं है, मल्टीपल प्लैनेट है, और जब मल्टीपल प्लैनेट है तो हमने उसको प्लूरल में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज़ प्लैनेट्स। अब जब कोई भी नाउन जिसका प्लूरल फॉर्म एस पे जाके एंड हो रहा है उस टाइम पे हम एपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगाएंगे, सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे, इस वजह से ये भी सही। सिमिलरली बॉयज़ स्कूल, ये जो बॉयज़ है ये प्लूरल नाउन है, और कोई भी प्लूरल नाउन जब एस पे जाके एंड होता है तो हमें पता है कि हमारा रूल बोलता है हम उसके साथ एपोस्ट्रॉफी प्लस एस ना लगा के सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे, इस वजह से ये वाला स्ट्रक्चर भी एकदम सही हो गया। आई होप आपको सिंगुलर नाउन में एपोस्ट्रॉफी कैसे लगानी है और प्लूरल नाउन में एपोस्ट्रॉफी कैसे लगानी है ये अच्छे से क्लियर हो गई होगी। लेकिन जब भी कोई प्लूरल नाउन है वो एस पे एंड होता नहीं है उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, तो फॉर प्लूरल नाउन दैट डू नॉट एंड इन एस उस टाइम पे हम क्या करेंगे, उस टाइम पे हम एपोस्ट्रॉफी प्लस एस लगाएंगे। जैसे कि द चिल्ड्रंस टॉयज, अब यहाँ पे ये जो चिल्ड्रन है ना ये प्लूरल नाउन है हमारा, चिल्ड्रन इज अ प्लूरल नाउन। अब जब ये प्लूरल नाउन एस पे एंड नहीं हो रहा है, यहाँ पे एंडिंग लेटर जो है वो है हमारा एन, ठीक है, तो ये एस पे एंड ना हो के एन पे एंड हो रहा है, मतलब एस के अलावा और किसी भी लेटर पे अगर हमारा प्लूरल नाउन एंड होगा उस टाइम पे हम एपोस्ट्रॉफी भी लगाएंगे और उसके बाद एस भी लगाएंगे, इस वजह से ये एकदम सही हो गया। ऐसे ही द विमेन्स हॉस्टल, अब द विमेन्स हॉस्टल ये जो विमेन है ये हमारा प्लूरल नाउन है और क्योंकि ये एस पे एंड नहीं हो रहा है इसलिए हम इसके बाद अगर पोजिशन शो करना चाहें तो एपोस्ट्रॉफी भी लगाएंगे और एस भी लगाएंगे, इस वजह से ये भी एकदम सही है। आई होप आप सभी को ये वाला रूल भी क्लियर होगा कि जब सिंगुलर की बात करेंगे तब हम एपोस्ट्रॉफी प्लस एस लगाएंगे, जब हम प्लूरल नाउन की बात करेंगे जो एस पे एंड होते हैं तब हम एपोस्ट्रॉफी ही लगाएंगे, लेकिन जब हम प्लूरल नाउन की बात करेंगे जो एस पे एंड नहीं होते उस टाइम पे हम एपोस्ट्रॉफी प्लस एस लगाएंगे। अगला रूल देखते हैं हम लोग, अगला है कि जॉइंट पोजिशन शो करें उस टाइम पे हम एपोस्ट्रॉफी को कैसे यूज करें, ठीक है, तो इसके लिए When one thing belongs to two or more people, make only the final name possessive. जब एक ही चीज़ दो लोगों को belong करती है, मतलब जब एक ही चीज़ पे दो लोगों का possession हो, जब एक ही चीज़ पे दो या दो से ज़्यादा लोगों का possession हो, दो से ज़्यादा लोगों का अधिकार हो, उस time पे हम सिर्फ last name को possessive बनाते हैं, मतलब apostrophe सिर्फ last वाले के साथ लगेगी। For example, Jack and Bob's barber shop. अब ये जो barber shop है वो Jack और Bob दोनों की है, मतलब बार्बर शॉप के ऊपर अधिकार जैक का भी है और बॉब का भी है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम आगे वाले के साथ एपोस्ट्रॉफी ना लगा के लास्ट नेम के साथ एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे तो ये वाला सेंटेंस एकदम सही है, क्योंकि जैक एंड बॉब को ओन्स द सेम बार्बर शॉप, एक ही बार्बर शॉप के ऊपर दोनों का अधिकार है। इसी तरीके से जेसिका एंड रियान्स पेरेंट्स, ठीक है, तो ये जो पेरेंट्स हैं उनके ऊपर जेसिका का भी अधिकार है और रियान का भी अधिकार है, मतलब दोनों के पेरेंट्स एक ही हैं, तो जेसिका के साथ एपोस्ट्रॉफी ना लगा के हमने लास्ट वाले नेम के साथ दैट इज रियान उसके साथ हमने एपोस्ट्रॉफी लगाई, इस वजह से ये वाला सेंटेंस भी एकदम सही है, ठीक है, क्योंकि जेसिका एंड रियान शेयर द सेम पेरेंट्स, दोनों के मम्मी पापा एक ही हैं,
तो जब किसी एक चीज़ पे दो या दो से ज़्यादा लोगों का अधिकार होगा तो हम सिर्फ लास्ट वाले नेम को पजेसिव बनाएंगे, मतलब लास्ट वाले नेम के साथ एपोस्ट्रॉफी प्लस एस लगाएंगे। आई होप ये वाला रूल आपको अच्छे से क्लियर है। अगला है व्हेन वी टॉक अबाउट सेपरेट थिंग्स, जब हम अलग अलग चीज़ों की बात करेंगे दैट बिलोंग टू डिफरेंट पीपल, और उन अलग अलग चीज़ों पर अलग अलग लोगों का अधिकार भी होगा, तो मेक ऑल द नेम्स पजेसिव, हम हर नाम को पजेसिव बनाएंगे, मतलब हर नाम के साथ एपोस्ट्रॉफी प्लस एस लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैक्स एंड बॉब्स बार्बर शॉप। अब ये जो बार्बर शॉप है ना, ये एक नहीं रही, ये बार्बर शॉप दो हो गई, एक जैक की और दूसरी बॉब की है, ठीक है। अब दोनों की शॉप अलग अलग है इसलिए दोनों को हमने पजेसिव बनाया, जैक के साथ भी अपोस्ट्रॉफी एस लगाया और बॉब के साथ भी अपोस्ट्रॉफी एस लगाया, क्योंकि जैक ओन्स वन बार्बर शॉप एंड बॉब ओन्स अ डिफरेंट वन, ठीक है, दोनों की जो दुकानें हैं वो अलग अलग हैं। सिमिलरली जेसिकाज एंड रियान्स पेरेंट्स, अब ये जो पेरेंट्स हैं ना वो जेसिका के पेरेंट अलग हैं और रियान के पेरेंट अलग हैं, ठीक है, दोनों के पेरेंट एक नहीं हैं, ईच हैज़ अ डिफरेंट सेट ऑफ पेरेंट्स, इसलिए हमने जेसिका को भी पॉजिटिव बनाया और रियान को भी पॉजिटिव बनाया। आई होप ये वाला रूल आप सभी को अच्छे से क्लियर होगा कि जब दो लोगों का पोजिशन एक ही चीज़ पर हो तब हम लास्ट वाले नेम को पॉजिटिव बनाएंगे, लेकिन दो लोगों का या दो से ज़्यादा लोगों का पोजिशन अलग अलग चीज़ों पर हो तो हम हर नाम को पॉजिटिव बनाएंगे। अगला रूल है हमारा एपोस्ट्रॉफी कैन बी यूज्ड विथ वर्ड्स लाइक एवरीबडी, एनीबडी, नोबडी, समबडी, एवरीवन, एनीवन, नो वन और समवन, मतलब ये जितने भी वर्ड्स दिए इन सभी के साथ हम एपोस्ट्रॉफी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एवरी वनस कंसर्न इज नो वनस कंसर्न, यहाँ पे मैंने एवरी वन के साथ भी एपोस्ट्रॉफी एस लगाया और नो वन के साथ भी एपोस्ट्रॉफी एस लगाया। सिमिलरली एवरीबडी इज बिजनेस इज नो बडी इज बिजनेस, यहाँ पे मैंने एवरीबडी के साथ भी एपोस्ट्रॉफी एस लगाया और नोबडी के साथ भी एपोस्ट्रॉफी एस लगाया, मतलब ये जितने भी वर्ड्स आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहे हैं इन सभी वर्ड्स के आगे हम लोग एपोस्ट्रॉफी एस लगा सकते हैं। लेकिन इसमें हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर इन वर्ड्स के बाद हमने एल्स यूज़ कर दिया, ई एल एस ई, दिस एल्स, अगर हमने एल्स यूज़ कर दिया तो जो एपोस्ट्रॉफी एस है वो इन वर्ड्स के साथ ना लग के एल्स के साथ लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एवरीबडी एल्सेस, ठीक है, ये जो एवरीबडी एल्सेस, एवरीवन एल्सेस, समवन एल्सेस, समबडी एल्सेस, ये जितने भी वर्ड्स हैं इन सब के साथ हमने एल्सेस लगाए हैं, मतलब एल्स लगाया है, इसलिए इनके साथ हम एपोस्ट्रॉफी एस लगाएंगे एल्स के बाद, जैसे कि आपको एग्जाम्पल भी दिख रहे हैं, ठीक है। तो इफ़ एल्स इज़ यूज्ड विद दीज वर्ड्स देन वी विल यूज़ एपोस्ट्रॉफी प्लस एस आफ्टर एल्स, एल्स के बाद हम एपोस्ट्रॉफी प्लस एस लगाएंगे। अब कुछ एग्जाम्पल दिए हैं जैसे कि एवरीवन एल्सेस, समवन एल्सेस, समबडी एल्सेस, है ना, और सेंटेंस के फॉर्म में भी हमें एग्जाम्पल दिया गया है कि दिस इज़ नॉट माई पेन, इट इज़ समबडी एल्सेस, ये मेरा पेन नहीं है, ये किसी और का है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने समबडी के साथ एपोस्ट्रॉफी एस ना लगा के एल्सेस के साथ एपोस्ट्रॉफी एस लगा दिया। सिमिलरली दिस इज़ समबडी एल्सेस बुक, ये किसी और की बुक है, तो यहाँ पे क्योंकि समबडी के साथ एल्सेस दिया हुआ है इसलिए हमने एपोस्ट्रॉफी प्लस एस लगाया एल्सेस के बाद। आई होप ये रूल भी आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो यहाँ पे हमने एपोस्ट्रॉफी के साथ जितने भी रूल्स लगते हैं वो सारे डिस्कस कर लिए कि कब एपोस्ट्रॉफी लगेगी, कब एपोस्ट्रॉफी नहीं लगेगी। आई होप आपको ये सारे रूल अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको ये अच्छे से समझ नहीं आए हैं, अभी भी कोई डाउट बाकी है, तो आप वीडियो को वापस से रिपीट करके देख सकते हैं। आगे और भी रूल्स डिस्कस करेंगे हम, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।